हम तो डर गए एकदम फट से फूट गए। कैसा कैसा तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सुबह सुबह धुआंधार ब्लॉग करने लगे हैं और धुआंधार इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये देख रहे हैं इसका टायर भाई चेंज करेंगे वो भी बर्न आउट करते हुए। पहले इसको जब चेंज ही करेंगे तो इसको बर्न आउट करके इसका भाई पूरा टायर का ख़त्म कर देंगे, उसके बाद न्यू टायर लगाएंगे। जा रहे हैं अभी शोरूम, तो शोरूम में जा करके पूछेंगे और चलिए दिखाते हैं मेरे साथ में कौन कौन जुड़ चुका है। ये देखिए ये है अपना ये बाबा टिल्लू। तो गाइस थोड़ा बोल दो थोड़ा ये क्या था ये ब्लॉग तो ये भाई थोड़ा बोलो तुम कुछ तुम बोलो असली चीजें बताने का नहीं होता है। अच्छा इसका स्टाइल देखिए तो और ये भाई जाएगा। वो क्या हुआ कुछ बोलो इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा चीज बर्नआउट मारो। हाँ बर्नआउट तो मारेंगे भाई पहले देखो सबसे पहले तो जाएंगे शोरूम, उसके बाद टायर मतलब पूछेंगे टायर है कि नहीं। अगर पहले भाई बर्नआउट करके टायर खत्म कर देंगे फिर अपना लंड पे क्या गाड़ी मतलब गाड़ी तो बैठ जाएगा ना। सो इसी कारण पहले चलते हैं शोरूम और दिखाते हैं और टायर का दाम वगैरह सब कुछ भाई डिटेल में बोल देंगे ताकि आप लोग का थोड़ा जीवन में भविष्य में काम आ जाए। कोई चले चलते हैं। तो ए भाई एक बार बिल्ली मार दो ना दिखा दो बिल्ली बिल्ली चलो। और हाँ भाई सबसे मतलब ये देखिए कि हम ये अपनी डार्लिंग है इसको हाथ छोड़ के कैसे चलाते हैं बिना ड्राइवर का कैसे चलता है वो हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हेलमेट लाओ भाई। ए भाई थोड़ा इसे आराम से बैठने का अभी हाथ छोड़ के चलाने वाले हैं। ए चलो भाई तुम आगे चल भाई स्टाइल से थोड़ा चलाते हैं देखो अपना इसे कहते हैं रुतबा नवाब नवाब की तरह चलते हैं और नवाब का स्टाइल देखिए भाई। हाँ हाँ चलो डार्लिंग धोखा नहीं देने का। अरे भाई मेरे को इतना ट्रस्ट है अपने बाइक पे भाई अपना वो एंजल और अपनी ये डार्लिंग पे कि कभी 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 भी धोखा नहीं देती ये लोग। और हाँ हालांकि लड़की पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग कभी भी धोखा दे देती है। बकरी आ गया ना अरे बकरी के इधर देखो तो जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं बिना हैंडल छुए हम ड्राइव कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग घुस गए महेशपुर और चलते हैं राइट तरफ होगा इसका होंडा शोरूम। पहले चलते हैं शोरूम फिर पूछते हैं टायर वगैरह का दाम और टायर अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद भाई बर्नआउट करेंगे। देख जैसे कि आ गए हम लोग होंडा शोरूम और ये भड़वा दोस्त पहले पहुंच गया। ए भाई अरे बंद है क्या टायर ही नहीं मिलेगा शोरूम बंद है टायर की दुकान चलो। अब टायर कहाँ दुकान है टायर का ही वो शोरूम फिर तो वहाँ पर चलते हैं फिर देखते हैं। और भाई अभी तक अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अरे चमैला बोल रहा है बड़ा बड़ा लगाने साले तभी तो बड़ा बड़ा इसमें आएगा तो लगेगा नहीं ना बड़ा लगाएंगे ना ना असली बात हम कभी नहीं शरीफ बंदा हूँ। तो चलिए गाइस अभी शायद चाय पिएगा भड़वा लोग बिना चाय पिए लोग का दिमाग काम नहीं होता जैसे कि मेरा बिना छोड़िए चाय का आज गया पहली बार ऐसा हुआ कि बिना चाय पिए वो लोग आगे बढ़ गया तो हम भी आज बिना लौंडिया को देखे आगे बढ़ते हैं नहीं तो लौंडिया देखने के चक्कर में भाई। तो लौंडिया को अभी रखते हैं साइड पे और अभी गोल पे फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन में आ गए जो कि मतलब चारों तरफ थोड़ा शांति है और सेफ है और ज़्यादा शांति होना भी भाई गलत बात है क्योंकि पता है ज़्यादा शांति होने से क्या फील आता है। सो इसी कारण थोड़ा बहुत शांति जगह में आ गए। और ये टायर भाई देखिए हमारे पास सेम वही भाई है तो इसको लिए इसका कितना बड़ा था 1200 है ना। और हेलमेट भाई खोलेंगे नहीं क्योंकि क्या पता कल आ जाए ये सब करते करते तो हेलमेट लगा के रखेंगे। और ये स्कूटी है ना तो भाई शायद से मतलब होगा बर्न आउट क्योंकि वो गियर वाला तो है नहीं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक भाई गियर शिफ्ट हो जाता है इसी कारण घूमने भाई वो स्लो डाउन हो जाता है। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। आगे एक बंदा रुकना पड़ेगा जैसे कि इस टाइप से और नहीं तो भाई अच्छा नहीं वो नहीं भाई अभी थोड़ा कंट्रोल है वहाँ बंदे पे चढ़ेगा कोई बात नहीं लेकिन बर्न आउट करके टायर तो ज़रूर भाई इसको ब्लास्ट करेंगे। तो बने रहे अपने ब्लॉग पे और एक बार इसे मारते अरे
क्या बोला तूने? टायर गड़म हो चुका है, फट जाएगा और थोड़ा सा बाकी है, फटाने वाले तो बनेने ब्लॉक के ए मार फाड़ दो फाड़ दो लॉन्ग लिया अरे लॉन्ग लिया जा रही है तीन तो लॉन्ग लिया जा रही है मुझे डर लग रहा है फटा तो मेरे ऊपर ना जाए मैं क्या लॉन्ग लिया जाए और एक का फाड़ दिया जा रहा है लेकिन भाई देखो भाई भैया का जींस देखिए पूरा गंदा हो गया पूरा गंदा लेकिन भाई हम सेफ है लेकिन इधर मेरा ये क्या बोलता है ये बाल चट्टा क्या वो सब लग गया तो वो सबको इग्नोर कीजिए तो अभी अभी टायर का गाड़ फाड़ दिए हम लोग तो गाइस तो आपको कैसा फील हुआ है मतलब ऐसा थोड़ा कुछ तो लगा कि इस टाइप का देखें आप पहली बार मुझे फील हुआ कुछ मुझे फील हुआ ये कुछ कुछ फील हुआ मुझे देख अरे वो तो नहीं अरे गंदा असली लौंडा सब सबको आज तुमको कैसा फील हो रहा है सब कुछ ऐसा हम तो डर गए एकदम भट फुट कैसा कैसा भट अरे गाइस भट से फूटा बोल रहा तो भाई अभी थोड़ा सा ये मतलब और ज्यादा इसको घिसेंगे नहीं तो भाई यार दुकान तक चलाने गैरेज तक तो भाई ले जाना पड़ेगा क्योंकि टायर को चेंज करना है ना अभी इसको यहीं तक रखते हैं फिर जा रहे हैं सब चलाते हैं स्कूटी जो कि ये पिछवाड़े के साइड से भाई खुलता हो ये तो इस पर भाई ध्यान रखेगा कि ये अच्छे से लगा हो कि नहीं मेरा भाई अभी कल ही डलवाए थे पेट्रोल और भाई ये थोड़ा क्या होता लूज था तो पेट्रोल गिर गिर के भाई इधर से निकल रहा था ओवर फुल होकर हमने सोचा कि बर्नआउट करे तो उसके कारण शायद ओवर फुल हो रहा है लेकिन नहीं भाई ये लूज था तो वहीं से पेट्रोल गिर गया था और देखिए फिर टायर नया लगा दिए और अभी फ़िलहाल तभी हम लोग का सब बंदा आ गया था साइड में तो अभी चाय पीते हैं और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टाटा बाय बाय।